राष्ट्रीय जनता दल के 24वें स्थापना दिवस पर तेजस्वी यादव ने पार्टी के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर 15 साल के लालू राबड़ी शासनकाल के दौरान हुई गलतियों के लिए माफी मांगी है। इससे पहले 2 जुलाई को एक कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने पहली बार आरजेडी के 15 साल के शासनकाल के दौरान हुई गलतियों के लिए माफी मांगी थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो अपनी विचारधारा के साथ समझौता कर लेते तो वो आज बिहार के मुख्यमंत्री होते। आप लालू जी पे उंगली उठाते हो, लेकिन फिर भी हमने स्वीकार किया कि उन 15 साल में तेजस्वी तो था भी नहीं सरकार में, लेकिन फिर भी अगर हमसे कोई भूल हुई होगी तो हमको माफ कीजिएगा। लेकिन लोग चला रहे माफीनामा, ठीक है भाई, हम तो कहते हैं उन लोगों को जिसका रीढ़ का हड्डी होता है वही झुकता है और जिसका रीढ़ का हड्डी नहीं होता वो रेंगता है। हमने अच्छे लोग 15 साल में कुछ भूल चूक हुई होगी तो जनता हमको माफ करे, और जनता ने हमको सजा भी दिया, 15 साल हमको विपक्ष में बैठाया। हम लोग सच बोलने वाले लोग हैं, ईमानदार हैं, पारदर्शिता रखते हैं, अपना कर्तव्य जानते हैं, और ये किसी को हमको सबूत देने की जरूरत नहीं है हमारे पार्टी को या हमारे नेता को कि आज तक अपने विचारधारा का सौदा नहीं किया। कर लिया होता तो आज तेजस्वी बिहार का मुख्यमंत्री होता, लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री पद पे हम लोगों ने ठुकराने का काम किया। स्थापना दिवस के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने इस बात को लेकर चिंता जताई, उनके पार्टी में लोग पार्टी के हित से पहले निजी हित को तरजीह देते हैं। आरजेडी के लोग कुर्बानी देने को तैयार हो जाएं तो 2035 तक उनकी पार्टी दिल्ली भी फतह कर सकती है। सब लोगों से हम अपील करते हैं कि थोड़ा सा कुर्बानी और धैर्य रखिए, अपने अपने मतभेद को मिटाइए। हम 2020 या 2035 पे दिल्ली में झंडा फहरा देंगे, लेकिन थोड़ी कुर्बानी या थोड़ा धैर्य हम लोगों को रखने की जरूरत है। पार्टी में एकजुटता की भावना और बढ़े, इसको लेकर तेजस्वी ने आगे कहा कि अगर आरजेडी के लोग एकजुट होकर चुनाव लड़े तो कोई माई कलार उन लोगों को हरा नहीं सकता है। जो बलिदान, जो कुर्बानी लालू जी ने दिया है, अगर हम सब आज संकल्प ले लें और दिल पे हाथ रख के पूछे कि उसका अगर हम 5% भी अगर हम लोग बलिदान करें, सैक्रिफाइस करें, तो राष्ट्रीय जनता दल को कोई माई का लाल नहीं है जो आने वाले दिनों में रोकते हैं। तेजस्वी ने इस दौरान नीतीश सरकार पर भी सवाल उठाए और इस बात को भी खारिज किया कि आरजेडी केवल मुस्लिम और यादवों की पार्टी है। तेजस्वी ने कहा कि नए जमाने की आरजेडी A to Z की पार्टी है। लोग कहते रहते हैं कि भाई माई की पार्टी है, MY की पार्टी, हम कहते हैं ये माई की पार्टी नहीं, A to Z की पार्टी है। ये पार्टी सभी जाति, सभी धर्म के लोगों की पार्टी है, हर वर्ग के लोगों की पार्टी है। तेजस्वी के भाषण से ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो अपनी पार्टी को और मजबूत करना चाहते हैं। शायद उन्हें ये बात समझ आ गई है कि बिना पार्टी को संगठित किए आरजेडी NDA को कड़ी टक्कर नहीं दे पाएगी और पार्टी का बिहार विधानसभा में भी वही हाल होगा जो 2019 के लोकसभा चुनावों में हुआ था। पटना से रोहित सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।